नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो है पॉलिटी का एक अगला सीरीज करने वाले हैं, एमसीक्यूज दोस्तों, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगातार हमारे जो है कराए जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो आप देखिए, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्दी से अपलोड कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम चैनल को फेसबुक आईडी से जुड़ जाइएगा तुरंत जल्दी से भैया। और सिलेक्शन मेंटर हमारी ये कोचिंग का नाम है, ये हमारे वीरज सर हैं जो कोचिंग के फाउंडर हैं। अगर आप जो है यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी, यूपीटीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारी कोचिंग को ज्वाइन करिए। हमारे यूट्यूब चैनल जो है सिलेक्शन मेंटर करके हमारा नाम है यूट्यूब पर चैनल का, और जल्दी से उसी पर अपना जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी जल्दी कौन कौन सी वीडियो किस टाइम में पड़ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ाया जाएगा दोस्तों आज, उससे संबंधित एमसीक्यू। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का तीसरा पार्ट है दोस्तों, और तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, पार्ट थर्ड है आज हमारा जो है, और पार्ट थर्ड में हम देखेंगे और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किप्स मिशन भारत कब आया। तो दोस्तों ये आपके जो है किप्स मिशन भारत कब आया दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले बात ये है 23 जुलाई, पहला ऑप्शन 23 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 12 मार्च, इसके बाद 12 मार्च, तीसरा ऑप्शन 22 मार्च, और चौथा ऑप्शन है 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1942 है, 12 मार्च 1946 है, ये आपके सामने जो है चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प में कोई एक विकल्प सही है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो इसमें आपका सही होगा दोस्तों 22 मार्च 1942 किप्स मिशन प्रस्ताव दोस्तों आया था हमारे यहाँ, किप्स मिशन प्रस्ताव आया था। कहाँ आया था, भारत आया था दोस्तों, और किसके नेतृत्व में आया दोस्तों, तो किसके नेतृत्व में लीड में आया दोस्तों, तो इनका नाम था सर स्टेफोर्ड किप्स के नेतृत्व में भारत आया, और ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था दोस्तों, किप्स मिशन प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसका उद्देश्य था दोस्तों भारतीय संघ की स्थापना करना, ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय मतलब भारतीय संघ की स्थापना करना और क्या था कि पूरी तरह से ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत औपनिवेशिक सरकार की स्थापना करना ये उद्देश्य था दोस्तों, समझ गए, और भारतीय संविधान सभा की स्थापना करना था दोस्तों। ठीक है ना, तो ये 22 मार्च 1942 को आया था दोस्तों, कौन किप्स मिशन भारत कब आया, 22 मार्च 1942 को। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, इसमें ये पूछ रहा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में कुल कितने सदस्य थे, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, पहला 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है, मतलब ये जो है चार ऑप्शन दिए, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसमें जो है तीन सदस्य थे दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान जो है तीन सदस्य थी, जिसमें पहला कौन था, पहला था आपका सर पैथिक लॉरेंस जो है इसके कौन थे, अध्यक्ष थे दोस्तों। दूसरा सदस्य कौन था दोस्तों, तो दूसरा सदस्य आपका था सर स्टेफोर्ड किप्स था दोस्तों, और एबी अलेक्जेंडर
एबी अलेक्जेंडर था। तो तीन सदस्यीय था कैबिनेट मिशन प्लान जो है, और ये आया था दोस्तों कब आया था 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में संविधान सभा की स्थापना के लिए आया था। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसने कहा कि किप्स मिशन प्रस्ताव, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है, देखिए बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, किसने कहा कि किप्स मिशन प्रस्ताव भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक है ये, पोस्ट डेटेड चेक है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए अपने ऑप्शन को, सही करिए जल्दी से। तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों कि किप्स मिशन जो आया है प्रस्ताव, ये भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि किसी प्रकार का दोस्तों केवल औपनिवेशिक स्वराज के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी, मतलब क्या कहा था महात्मा गांधी ने, इसी शब्द के अनुसार इसका प्रयोग किया था, कहा कि औपनिवेशिक स्वराज के अंदर कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई। अब कोई जब तिथि निर्धारित नहीं की गई तो महात्मा गांधी ने निर्धारित नहीं की गई तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो किप्स प्रस्ताव आया है ये क्या है, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है दोस्तों, भुनाने वाला चेक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, किसका कथन है कि एक देश की सरकार है जहां दो राष्ट्र चला रहे हैं, ये किसका कथन है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आपके पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा महात्मा गांधी। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जब हमारे यहाँ अंतिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं, ये किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हें संविधान का पितामह कहा जाता है दोस्तों, इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है दोस्तों, समझ गए ना मेरी बात को। और मौलाना अबुल कलाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे हमारे, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में, और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो शिक्षा मंत्री, पहला ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई, दूसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा सरदार बलदेव सिंह। तो देखिए जो सरदार, ये चार ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन हम क्लियर कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, ये हमारे स्वतंत्रता के बाद गृह मंत्री का पद, ठीक है, गृह मंत्री का पद इनको प्राप्त था, और मौलाना अबुल कलाम को शिक्षा मंत्री का पोस्ट प्राप्त था, शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे दोस्तों, कानून मंत्री थे, मतलब विधि अधिकारी थे दोस्तों। और सरदार बलदेव सिंह क्या थे दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह हमारे यहाँ क्या थे, रक्षा मंत्री थे दोस्तों, क्या थे, रक्षा मंत्री। तो ये चार ऑप्शन से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन, और सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो जुलाई अगस्त 1946, मार्च अप्रैल 1946, दिसंबर 1946, 14 जुलाई अगस्त 1947। जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो आपको बता दें इसमें सही होगा ए नंबर, सही होगा जुलाई अगस्त 1946 को जो है संविधान सभा के लिए जो है चुनाव संपन्न हुए दोस्तों, और इसमें 296 सीटें थी, कितनी सीटें थे दोस्तों, 296 सीटें थी, और 296 सीटों में क्या हुआ दोस्तों, इस चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली दोस्तों, तो कांग्रेस को जो दोस्तों जो है वो 208 सीटें मिली, और मुस्लिम लीग को कितनी मिली,
मुस्लिम लीग को कितनी मिली दोस्तों? तो मुस्लिम लीग को दोस्तों मिली जाके 73 सीटें। और इसके बाद और क्या कहते हैं, स्वतंत्र सदस्यों को कितनी मिली? स्वतंत्र सदस्यों को कितनी सीटें मिली दोस्तों? तो वो सिर्फ केवल 15 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 15 सीटें मिली। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान निम्न में किसका सर्वाधिक ऋणी रहा? किसका सर्वाधिक ऋणी रहा? तो देखिए, पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, फिर कनाडा के संविधान का, कि भारत शासन अधिनियम 1947 का, कि भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए और बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा तुरंत। तो इसमें ऑप्शन चौथा सही होगा दोस्तों। चौथा सही होगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसी का प्रावधान सबसे ज्यादा भारतीय संविधान के निर्माण में था दोस्तों। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार रही? देखिए कैसा क्वेश्चन बनाया गया, किस पार्टी की सरकार रही? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी, तीसरा लेबर पार्टी और चौथा है लिबरल पार्टी। तो आप देखिए जल्दी से बताइए कौन सी पार्टी हो सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपने जो है भारत की पार्टी थी। अब ये 3 पार्टियों में सही से जल्दी से बताइए कौन सा सही हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें सही होगा लेबर पार्टी। क्या सही होगा? लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों, लेबर पार्टी की सरकार थी। जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था तो किसकी पार्टी थी? लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कि 1946 में अंतिम सरकार के गठन के दौरान वित्त विभाग किसको दिया गया था? वित्त विभाग किसको दिया गया था दोस्तों? तो वित्त, देखिए ये 1946 कैबिनेट मिशन अंतिम सरकार के गठन के दौरान की बात की जा रही दोस्तों, स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन सरदार बलदेव सिंह, दूसरा लियाकत अली, तीसरा जगजीवन राम और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, जल्दी से बताइए। और इसमें अब सही हो गया बी नंबर, लियाकत अली। लियाकत अली को क्या बनाया गया था दोस्तों? वित्त विभाग दिया गया था दोस्तों। क्या दिया गया था? वित्त विभाग दिया गया। और सरदार बलदेव सिंह को क्या दिया गया था दोस्तों? जल्दी से बताइए, सरदार बलदेव सिंह को वही पद दिया गया था स्वतंत्रता के बाद। और इससे कैबिनेट मिशन प्लान के जो आया था, अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था 1946 में, उसके तहत भी उसको रक्षा पर इनको रक्षा पद दिया गया। और लियाकत अली को कौन सा पद दिया गया दोस्तों? इनको वित्त विभाग दिया गया। इनको क्या दिया गया? वित्त विभाग दिया गया दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों, इनको कौन सा विभाग दिया गया? वित्त विभाग दिया गया। और देखिए, एक है जगजीवन राम। अब जगजीवन राम को कौन भैया पद दिया गया? इनको दिया गया श्रम विभाग। क्या दिया गया दोस्तों? श्रम विभाग दिया गया, श्रम विभाग दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा पद दिया गया? इनको दिया गया गृह सूचना प्रसारण मंत्री का पद। प्रसारण मंत्री का पद दोस्तों दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। और 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी? ये किसने कहा था, किसने घोषणा की थी दोस्तों? तो ये जो की थी वो, ये 4 ऑप्शन है, तो एक सही है। पहला है सर क्लीमेंट इटली, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड वेवेल। तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइए अपने ऑप्शन को, क्लियर करिए। तो इसमें दोस्तों सही होगा सर क्लीमेंट इटली। सर क्लीमेंट इटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। क्योंकि क्या कहा है कि, और जो उस समय वेवेल थे, वेवेल के स्थान पर किसे भेजा गया था? लॉर्ड माउंट बेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारत के डोमिनियन राज्यों की स्थापना के लिए भेजा गया था। ठीक है ना। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और इस प्रकार आपके सारे एमसीक्यूज संविधान सभा से संबंधित, आज तीसरा वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। सारे 30 वीडियो में पूरे क्वेश्चन संविधान सभा से क्लियर कर दिए गए हैं दोस्तों। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और हमारे
वीडियो से हमेशा जुड़े रहिएगा कि कब वीडियो किस टाइम पड़ रहा है हमारा, और लगातार वो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं दोस्तों जो बेहतर क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसी तरह से नए नए क्वेश्चनों को हम जो है लेके आते हैं आपके सामने। और सबसे पहले तो आप करिए लाइक करिए, तुरंत जल्दी से हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और इसके बाद सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है ना। और ये हमारा नंबर है दोस्तों, इससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।